अपन क्या करने बच्चों, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट यानी के महाद्वीप, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बच्चों को, तीन चीज का डिफरेंस नहीं पता लग पाता कि कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, सब कॉन्टिनेंट क्या होते हैं और आइलैंड क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप इनमें क्या देख लो, डिफरेंस देख लो, फर्क देख लो क्या है, ठीक है। मैं इंग्लिश में बोलता जाऊंगा और हिंदी में लिखता जाऊंगा, जो आपको भाषा समझ आए उसमें लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले बच्चों क्या है, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, महाद्वीप। पीछे पीछे बोल दिया, क्या बोलेंगे, महाद्वीप, शाबाश, ठीक है। उसके बाद आगे सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट क्या हुआ, प्राय द्वीप, प्राय द्वीप, प्राय नहीं, प्राय द्वीप, प्राय द्वीप। और इसके बाद आता है थर्ड नंबर पर आइलैंड, आइलैंड यानी कि द्वीप, ठीक है। ये तीन चीज होती है धरती के ऊपर, ये तीन चीज है, ठीक है। सबसे पहले क्या, कॉन्टिनेंट, उसके बाद क्या बच्चों, सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट के बाद क्या, आइलैंड, आइलैंड, सब कॉन्टिनेंट बोल दो, ठीक है, यानी कि हिंदी में जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राय द्वीप बोलते हैं। क्या किसी को पता है इनमें डिफरेंस क्या, अंतर क्या है? आपने कॉन्टिनेंट भी सुना होगा, सब कॉन्टिनेंट भी सुना होगा, और आपने क्या सुना है, आइलैंड भी सुना है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको इनमें डिफरेंस मालूम है कि डिफरेंस क्या है? तो देखो इनमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले महाद्वीप, महाद्वीप क्या होता है, धरातल, धरातल को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, लैंड, ठीक है, धरातल को बोलेंगे क्या, लैंड। धरातल का वो बड़ा भाग यानी कि लैंड का वो बड़ा भाग, भाग यानी के बच्चों पार, ठीक है। धरातल का वो बड़ा भाग जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, पानी से, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, महाद्वीप बोलेंगे, कॉन्टिनेंट बोलेंगे, जिसको मैं आपको मैप में दिखा भी देता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे सामने क्या है, मैप सामने देखो। अब यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये मैंने मार्कर से लाइन बनाई हुई है, ठीक है। ये कौन सा महाद्वीप है बच्चों, एशिया महाद्वीप, चारों तरफ क्या है इसका, पानी, भाग छोटा है या बड़ा है, बड़ा है। ये कौन सा, यूरोप, चारों तरफ क्या है, पानी, छोटा भाग है या बड़ा भाग है, बड़ा है। ये कौन सा है, अफ्रीका, चारों तरफ क्या है, पानी, क्या बन गया, महाद्वीप, क्या बन गया बच्चों, महाद्वीप। समझ में आई बात क्या, ठीक है, शाबाश। किसी को कोई समस्या, महाद्वीप क्या होता है, ठीक है। धरातल का यानी कि लैंड का वो बड़ा भाग जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, पानी से, उसे हम क्या बोलते हैं, महाद्वीप। और देखो दुनिया में महाद्वीप कितने हैं, सात। देखो सात का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, सात जीना, सात मरना, सात फेरे, सात कस्बे, सात वादे, तो महाद्वीप भी कितने हैं, सात है, ठीक है, याद रख लोगे। देखो ये तो सभी को पता ही है, सात क्या है, महाद्वीप है, ठीक है। अब क्या आ गया, सब कॉन्टिनेंट यानी के प्रायद्वीप, ठीक है, पराया नहीं, प्रायद्वीप, ठीक है, क्योंकि तो पराया तो वो होता है जो अपना होता है, जो अपना बड़ा ही नहीं वो पराया क्या होगा, ठीक है, सही है गलत है, सही है गलत है, प्रायद्वीप यानी के सब कॉन्टिनेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है, धरातल का वो भाग, वही चीज है, धरातल यानी के लैंड जो तीन तरफ से पानी से घिरी है और उसके एक तरफ क्या है, लैंड है, जमीन है, उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। समझ में आया क्या, ठीक है। सामने भी देखा करो, जैसे कि अपना प्यारा क्या, भारत। हालांकि मैप इतना अच्छा नहीं बना, नक्शा इतना अच्छा नहीं बना, भावनाओं को समझ जाना। अब आप देखो कि भारत के तीनों तरफ क्या है, पानी है, ये डायरेक्शन बन गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। भारत के ईस्ट में भी क्या है, पानी, वाटर, जिसको आप क्या बोलते हैं, वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ये सारे नोट करते जाना, एक एक चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। भारत के ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, क्या चीज है, पानी, ठीक है। भारत के वेस्ट में क्या है, अरब सी, क्या है यहां पर, पानी। भारत के साउथ में क्या है, इंडियन ओशन, और यहां पर भी क्या है, पानी। तो धरातल का वो भाग जो तीनों तरफ से किससे घिरा हो, पानी। समझ में आ गई बात क्या, मैप देखना चाहोगे देख लो, ये लो, ये रहा भारत, कैमरे में आ रहे हैं, यस, ठीक है, ये रहा भारत, तीनों तरफ क्या है, पानी,
ऊपर क्या है जमीन, यानी कि इंडिया क्या है, इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान वगैरह ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, कहानी समझ में आई क्या? इंडिया क्या है, सब कॉन्टिनेंट है, और ऑस्ट्रेलिया क्या है, कॉन्टिनेंट है, क्योंकि चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंट। इंडिया को क्या बोला जाता है, सब कॉन्टिनेंट। समझ में आ गया, कोई समस्या? शाबाश। ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और डीप है, लेकिन समझ में आपको सारा आ जाएगा। आगे चले। ठीक है, ऊपर कितने कंट्रीज नाल ऐड होंगे इंडियन फॉर्मेट में? इसमें तीन चार कंट्री है जो भारत के साथ साथ वाले, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, भूटान, हाँ, जो पार्ट्स में है। ठीक है, आगे चलते, इधर बातें नहीं भी बिल्कुल भी आपस के अंदर। अब आ गया क्या, आइलैंड, आइलैंड यानी कि द्वीप, आइलैंड यानी कि द्वीप। ठीक है, द्वीप क्या होता है, धरातल का वो छोटा भाग, धरातल यानी के लैंड, और उसका भाग कौन सा हो जाएगा बच्चों, छोटा, जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, पानी से, उसे क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार को क्या बोला जाता है बच्चों, आइलैंड बोला जाता है, क्योंकि छोटा भाग और चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ। ठीक है, आई बात समझ में, समझ में आया क्या? ठीक है, अब यहां से एग्जामिनर दो क्वेश्चन राइज करता है, क्या वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, ये क्वेश्चन राइज करता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है बच्चों, ग्रीनलैंड, याद रखना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। ये देखो, ग्रीनलैंड एक देश है, इसमें कई देश तो है नहीं, एक देश है, चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है बच्चों, ग्रीनलैंड। हाँ भी, कौन सा है, ग्रीनलैंड। अच्छा, ये भारत रहा, भारत के इधर कौन से आइलैंड है, अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार क्या है, आइलैंड, इसके बारे में कुछ समझ में आया क्या? ठीक है, भी आइलैंड क्या होता है, सब कॉन्टिनेंट क्या होते हैं और कॉन्टिनेंट क्या होता है, यहां तक बात समझ में आई? शाबाश। ठीक है सर, सब कॉन्टिनेंट इंडिया, सब कॉन्टिनेंट में इंडिया आ गया, या वो भाग पृथ्वी का कोई भी वो भाग जो आपको ढूंढना पड़ेगा, पृथ्वी का वो कोई भाग जिसके तीन तरफ क्या है, पानी, और एक तरफ क्या है, जमीन, वो क्या बन जाएगा, सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, आई बात समझ में, जरूरी नहीं है कि वो इस प्रकार से हो, वो गोल भी हो सकता है, वो चौरस भी हो सकता है, कंडीशन ये है कि तीन तरफ क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, और एक तरफ क्या होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए। ठीक है, आगे चले, यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, अब पूरी धरती को कितने कॉन्टिनेंट में बांट दिया, सात कॉन्टिनेंट, श्रीलंका भी आइलैंड है। ठीक है, श्रीलंका आइलैंड। अब इससे आगे, पूरी धरती पर कितने महासागर हैं, पांच महासागर, महासागर यानी कि ओशन। ठीक, पूरी धरती पर पांच महासागर, इसमें मेनली तौर पर आज हमने स्ट्रेट्स वगैरह पढ़नी है, कौन सी स्ट्रेट्स किसको अलग करती है, क्या क्या है। ठीक है, जल संधियां कौन कौन सी है, कितने ओशन है बच्चों, पांच, पूरी दुनिया में कितने महासागर है, पांच, इनमें क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा महासागर बना, देखो सबसे बड़ा महासागर बना, याद रखना है सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा पैसा होता है और कुछ नहीं होता, बस पैसा लेते हैं, पैसा, सबसे बड़ा क्या होता है, पैसा, हाँ जी, सबसे बड़ा क्या होता है, पैसा। देखो हमने कहावत सुनी है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा ना भैया, ठीक है, इसके बिना कुछ भी नहीं है, अपने भी नहीं है, ठीक है, इसके बिना तो देखो बीबी भी नहीं है, सीधी सी बात है, उसको भी क्या चाहिए, पैसा। तो सबसे बड़ा जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन,